नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। राशिफल आपके सामने अभी हाजिर होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपके बर्थडे की विशेष, फिर साथ के साथ एक लकी अक्षर जो आपके दिन को बहुत बेहतर बनाएगा। देखिए क्या होता है, छोटी छोटी ऐसी एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे दिन में काम आ जाती है। अक्षर जो होता है आपको पूरे नक्षत्रों के हिसाब से खास करके रिसर्च करके आपको दिया जाता है, ताकि उस अक्षर से आप अपने साथ एक ऐसी एनर्जी पूरा दिन रखें जिससे आपके काम सिर्फ और सिर्फ सफलता की हो जाए, ना कि आपके काम रुके। कहीं ना कहीं वो अक्षर आपके लिए एक देवी चमत्कारी चीज बन जाता है, जिसका प्रयोग आप दिन भर कर सकते हैं। ट्रांजिट यानी गोचर, ग्रह कहाँ कहाँ होंगे और किस अवस्था में होंगे ये देखना जरूरी होता है। अगर ग्रह अच्छे हो तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती। तो ट्रांजिट में गोचर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब राशि फल है, लेकिन उससे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अगर आपका बर्थडे है, संडे का दिन है, 12 जून है और आपका बर्थडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन बर्थडे मनाने में तो छुट्टी नहीं है, तो आप अपना बर्थडे अच्छे से मनाइए, आपके जीवन की सारी खुशियां आपको मिले, तरक्की हो, सुख समृद्धि आपको मिले, लेकिन आप बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और अगर पॉसिबल हो तो आज के दिन आप गेहूं का 1.25 किलो गेहूं का दान जरूर कर दीजिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जो सहयोग, जो कंट्रीब्यूशन किसी की जिंदगी में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन 1.25 किलो गेहूं का दान बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए और आपका ये जन्मदिन यादगार जन्मदिन भी बनाएगा। मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। ट्रांजिट, लेकिन उससे बाद में ही आपको एक लकी अक्षर दिया जाएगा। लकी अक्षर आपने जरूर इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है। ट्रांजिट की बात करते हैं, यानी हम ग्रहों की बात करते हैं, तो सूर्य रहेंगे वृष राशि में, टॉरस में रहेंगे सूर्य, 27 डिग्री के लगभग रहेंगे। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे लेकिन केतु के साथ रहेंगे। केतु और चंद्रमा की युति अच्छी नहीं मानी जाती, कहीं ना कहीं मानसिक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको रहेगी, तो आपने ध्यान रखना है, अपने मन को थोड़ी सी कंट्रोलिंग करने की कोशिश करनी है। कई बार क्या होता है, उथल पुथल, जब आपको पता चल जाता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो आपसे फैसले गलत नहीं होते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं आज मेरे प्लैनेट मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी ऐसे कड़ा फैसला नहीं लेंगे, थोड़े से माइल्ड रहेंगे। केतु के साथ चंद्रमा की जो डिग्री है, लगभग 26 डिग्री का चंद्रमा रहेगा, पूरा कंप्लीट पीड़ित अवस्था में है। मंगल मीन में रहेंगे और बुध रहेंगे वृष राशि में, अगेन टॉरस में ही रहेंगे जहां सूर्य ऑलरेडी है। उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ये अपना राजयोग नहीं बना पा रहे हैं। गुरु की बात करते हैं तो स्वर राशि और उच्च की राशि है इनकी, बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ये गुरु की अवस्था ठीक है। शुक्र की बात करते हैं तो मेष राशि में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, शनि कुंभ राशि में ऑलरेडी 1 डिग्री के चल रहे हैं, राहु मेष राशि में है, शुक्र के साथ है, केतु तुला राशि में है और साथ के साथ चंद्रमा भी है, जहां हमने पहले ही कहा कि चंद्रमा की युति जो है केतु के साथ अच्छी नहीं मानी जाती है। जिनका भी जन्मदिन है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका जीवन जो है हमेशा खुशियों से भरा रहे। अब हम बात करते हैं लकी अक्षर। लकी अक्षर का प्रयोग आपने आज के दिन जरूर करना है। जो भी आपकी जिंदगी में कहीं भी हर्डल्स है, जब भी आप उस अक्षर का प्रयोग करते हैं, उस अक्षर को एक दिव्य चमत्कारी अक्षर आप खुद बनाते हैं, उस समय आपके माइंड में वो काम जरूर होना चाहिए जो काम आप चाहते हैं ये क्लियर हो जाए, आज अच्छे से उसके काम में सफलता मिल जाए, उसके बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है जब इसका तरीका और प्रोसेस आप सही तरीके से करते हैं। कैसे लिखना है अक्षर, कैसे रखना है आप बहुत जल्दी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले राशियों का हाल जान लेते हैं। मेष राशि यानी एरीज वालों की बात करते हैं तो मन तो आपका शांत रहेगा, पुराने मित्रों से मुलाकात भी होगी, बहुत दिनों से जो नहीं मिल पा रहे थे आज मुलाकात हो सकती है, अचानक कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा, हरे रंग का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। वृष राशि यानी टॉरस की बात करते हैं तो कोई पुरानी बीमारी थी आपको जो फिर से कहीं ना कहीं उजागर हो सकती है, तो जरा अटेंटिव रहिएगा, डॉक्टर की सलाह जो है वो लेते रहिएगा। धन व्यर्थ में थोड़ा सा खर्च हो सकता है आपका आज के दिन। जमीन से जुड़ा हुआ विवाद, जो कोई पुराना चला आ रहा था वो समाप्त होगा।
शुभ अंग की बात करें वो रहेगा छह, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल यानी जामुनी। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी वालों के लिए अपने अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में थोड़ा सा नरमी ला करके रखिएगा, वरना आपके काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे अगर आपने नरमी नहीं रखी। घर का बदलाव आप चाहें तो कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट फैसले जो हैं बड़े सोच समझ करके लीजिएगा। शुभ अंग की बात करें वो रहेगा नौ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला, नीले रंग का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं, संतान को लेकर के कोई बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला आज के दिन आप ले सकते हैं, पुरानी चली आ रही बीमारी जो कहीं ना कहीं समाप्त तो होगी, धन की समस्या जो बड़े दिनों से चले आ रही थी वो रिजोल्व होती हुई नजर आएगी। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा एक, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला, काले रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं, परिवार में गलतफहमी बढ़ सकती है, कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी आप उस गलतफहमी को दूर कर सके। काम तो पूरा हो जाएगा लेकिन थोड़ी सी अड़चने भी दिखाई दे रही है, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा चार, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे, ग्रे रंग का प्रयोग आप कीजिएगा। कन्या राशि यानी वर्गों की बात करते हैं तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आ सकती है आज के दिन, माता से दूरियां हो सकती हैं, मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अगर सहयोग ले सके तो मेडिटेशन का सहारा आज के दिन जरूर लीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा एक, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे, ग्रे रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। तुला यानी लिब्रा, लेकिन अक्षर का इंतजार आपने जरूर करना क्योंकि छोटा सा अक्षर है जो आपके दिन को बहुत बैलेंस कर देगा, तरीका सही अपनाएंगे तो लाभ में रहेंगे। तुला यानी लिब्रा की बात कर लेते हैं, बच्चों को जरूरत से ज्यादा धन नहीं दीजिएगा, जितनी जरूरत है जरूर उनकी पूरी कीजिए, लेकिन एक्सेस मनी कहीं ना कहीं उनके जीवन को खतरे में डाल सकती है। अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखिएगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, हो सकता आज के दिन थोड़ा सा रिजल्ट कम मिले, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि मेहनत में ही आपकी सफलता छुपी है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा नौ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, पीले रंग का प्रयोग कीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो जरूरी काम आज के दिन टाल दीजिए, धन का लेन देन तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा आज के दिन, जिम्मेदारियों से मत मांगिए, जो जिम्मेदारियां हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा सात, शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैरून, मैरून रंग का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। धनु यानी सेजिटेरियस की बात कर लेते हैं तो आज के दिन अपने दिल से नहीं जरा दिमाग से फैसले लेने हैं क्योंकि दिल से लिया हुआ फैसले आपको खतरे में डाल सकते हैं। अच्छे व्यवहार से वैसे तो आप बहुत सारे लोगों का आज दिल जीत ही लेंगे, अगर आपको जरा सा भी रेस्टलेस फील कर रहे हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा आठ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला, काले रंग का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, मेहनत का फल आपको मिलेगा, नौकरी में बदलाव की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, घर से दूर जाने की संभावनाएं बन रही है क्योंकि ऐसा इंडिकेशन हो सकता है आपके बॉस ही आपको कॉल करके बता दें, यानी कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा दो, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सुनहरा, सुनहरे रंग का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं यानी एक्वेरियस की बात करते हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव की ये सिचुएशन बनी रहेगी आज के दिन, अगर आप धन कहीं लगाना चाहते हैं तो जरा सोच समझ करके लगाइएगा, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं है आइएगा, आप अपना काम मन लगा करके करने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा सात, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा, हरे रंग का प्रयोग आप आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन यानी पाइसियन वालों के लिए बात करते हैं तो भाग्य तो आपका साथ देगा, रुके हुए काम भी पूरे होने की पूरी पूरी संभावना है, बच्चों की ओर से कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा आठ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे, ग्रे रंग का प्रयोग आप चाहे तो कर सकते हैं। ये तो आपका राशिफल हो गया, लेकिन हमने आपको कहा कि अक्षर, लेकिन आपने ये मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचानी है। हर सुबह 6 बजे मेरा ये जो राशिफल है ये आता है, लेकिन लकी अक्षर हर दिन आपने प्रयोग में जरूर करना है। अब अकेले लकी अक्षर की बारी है, क क अक्षर है लकी अक्षर, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है, इसे बनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है, इसे चमत्कारी कैसे बनाना, दिव्य कैसे बनाना है। छोटा सा एक कागज का राउंड टुकड़ा काट लीजिए, जैसे पूरा चंद्रमा जैसा वैसा टुकड़ा काट लीजिएगा
और उस पर रोली से सबसे पहले आपने अपने इष्ट देव का नाम लिखना है और उसके नीचे लिख देना है क अक्षर। लेकिन ये अक्षर लिखते हुए आपने हमेशा ये ध्यान करना, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा काम जरूर सफल हो। यकीन मानिए बड़ी ही एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ पूरा दिन रहेगी। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, इस अक्षर को, इस कागज के टुकड़े को ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने पैंट के पॉकेट में डाल देते हैं। नाभि के निचले हिस्से में इस अक्षर को नहीं रखना है। या तो आप ऊपर वाली पॉकेट में रख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर्स में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, लेकिन वॉलेट जो है हाथ में पकड़ना पड़ेगा आज के दिन, या फिर किसी बैग में रख सकते हैं, आप अपने टेबल पर रख सकते हैं पूरा दिन। उसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद में किसी भी पेड़ के नीचे जाकर के इस अक्षर के कागज को रख दीजिएगा। आपको काफी हद तक सफलता की तरफ पहुंच जाएंगे आप जो कार्य के लिए आप जा रहे हैं। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हर सुबह 6 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर अपना राशिफल देखना और अक्षर देखना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।